हमारा सेकेंडरी है, पहला जो टॉक है दैट इज सेल्फ टॉक। यदि आप सेल्फ टॉक नहीं कर सकते तो दूसरे की टॉक का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले अपने आप से बातें करिए, जब अंदर से सिग्नल मिले यस शुरू हो जाइए। दूसरा काम, एक लिस्ट बनानी है, बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके फ़ोन में 400-500 नाम वैसे ही हैं। अभी यदि आपके फ़ोन बुक पलटना शुरू कर दें तो कम से कम 100 नाम ऐसे होंगे जिनको आप पहचान ही नहीं पाएंगे, कब क्यों फीड कर दिया था मैंने इसको। लेकिन यदि फ़ोन करके देखिए तो कोई लिंक निकल आएगा उनसे। तो ये लिस्ट बनानी है और इन लिस्ट वालों को बुलाना है, और यदि कोई ना आने को तैयार हो तो उसके घर चले जाना। क्यों चले जाना है? क्योंकि उन्हें हम बिजनेस का प्लान दिखाना चाहते हैं। ये एक पेज का प्लान है, ये 5 मिनट से और 45 मिनट के बीच कितना भी लंबा किया जा सकता है, डिपेंड करता है उस व्यक्ति के पास जिसे आप दिखा रहे हैं उसके पास टाइम कितना है। उसके पास टाइम 5 मिनट का है और आप 45 मिनट की यदि कहानी सुनाएंगे तो वो कतई सुनने में इंटरेस्टिंग। तो इसलिए इस बिजनेस को इस तरह से देखना होगा। अब चूंकि आप पूरा मन बना के आएंगे 45 मिनट तो हम बैठेंगे ही, क्योंकि 45 रुपए से ज्यादा लग चुके हैं। 50 रुपए का 50 मिनट तो बनता है भाई, पैसे तो वसूल कर नहीं कर रहे। प्लान जब दिखाएंगे आप, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा। जिन्हें अच्छा लगेगा वो बिजनेस पे आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यदि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमने सुना भी है, आप ये प्रोडक्ट ला दीजिए या हमारे लिए ये ला दीजिए या हमें रजिस्टर करा दीजिए, हम नेट से ऑर्डर करके ले लेंगे। कई सारे ऑप्शंस हैं। और जो एक्टिवली बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ आप बिजनेस करिए। पांचवी बात, 100% यूजर। मान लिया कि हमारी मारुति की शॉप और हम मारुति का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बेचने के लिए पूरी दम लगाते हैं, लेकिन हम मारुति से नहीं चलते तो बड़ा अटपटा सा लगता। आपका होटल है और सामने दूसरा होटल है और आप खा सामने वाले में रहे तो अटपटा लग रहा। कस्टमर को लगेगा कि वो मालिक तो वहां खा रहा है, इसका मतलब यहां खाने लायक कुछ है नहीं, तो होटल चलेगा क्या? तो पहला काम क्या है, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना, उन्हें इस्तेमाल करना, जब वो अच्छे लगे अब हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की बात हम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक, पहले तो हम ये प्रोटीन पाउडर है, इसको आप अमृत कह सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करिए आपके शरीर का कोई भी सिस्टम बिना प्रोटीन के नहीं चलता, एक बात। और जितनी भी बीमारियां हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रोटीन जरूर जुड़ा हुआ है। और तीसरी चीज ये है कि यहां बैठे हुए 90% लोग प्रोटीन डिफिशियंट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यदि हेल्दी रहना है तो प्रोटीन चाहिए, और ये वर्ल्ड क्लास का प्रोटीन है। मतलब इससे बेहतर प्रोटीन संसार में कोई नहीं है। पहले स्टेप में आपको मान लेने की जरूरत नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं आप मान लें कि ये सबसे अच्छा, लेकिन इन्वेस्टिगेट करिए। इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन पाउडर के आकलन का तरीका क्या है और उसका जो भी मीजरमेंट है वो कहाँ पे खरा उतरता है। लेकिन अभी तो हम प्रोटीन के बारे में नहीं जानते, और जानते हैं तो उसका मेजरमेंट का तरीका नहीं जानते, तो अभी तो भरोसा ही करना पड़ेगा खाने के लिए। तो ये तो एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपके शरीर को विटामिन्स और मिनरल रोज चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट डेली, ये देखिए। यदि आप इसकी एक टैबलेट रोज खा रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि विटामिन और मिनरल की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। यानी प्रोटीन मिल गया आपको वर्ल्ड क्लास का,
विटामिन और मिनरल मिल गए। क्यों ये खाने हैं? क्यों? इसलिए खाने हैं कि एक उसकी डिफिशियंसी है, दूसरे जिन सोर्सेस से हम ले रहे हैं वहां इंसेक्टिसाइड, वहां पेस्टिसाइड, वहां प्रिजर्वेटिव्स, वहां केमिकल्स की बहुतायत है। मतलब एक किसान भी बिना केमिकल का गेहूं नहीं खा सकता। क्यों? उसे गेहूं उगाना है तो खाद डालनी है, कीड़े लगे हैं तो पेस्टिसाइड डालना है, ज्यादा हो गया तो दवा डालनी, नहीं तो घुन लग गया। तो वो सारे केमिकल तो से तो वो भी नहीं बच पा रहा। ये फल जो कि सालों साल मिलते रहते हैं, क्या सेब सालों साल मिलता है? मिलता तो है लेकिन पैदा नहीं होता सालों साल, तो कहाँ रखा है? प्रिजर्वेटिव है। आप देखिए कोई भी फल ले लीजिए, सालों साल मिलेगा, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ, लेकिन सब नकली है। वो ये मुस्कुराहट के पीछे राज कुछ अलग है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए भी कुछ प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे बच्चों का एक ताजा में इन सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, तो कभी उनके साथ जाके वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और आखिरी चीज जिससे आपको जुड़ना पड़ेगा, किताबें, सीडीज और फंक्शंस। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके बिना आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये माना जाता है, बचपन में आपने सुना होगा कि माँ बाप यही कहते हैं कि जैसे बच्चों की संगत में रहोगे वैसे बन जाओ, यानी जिस चीज की संगत में रहोगे जो वैसे ही बनना है। तो ये वर्ल्ड क्लास की सफल लोगों की किताबें हों, सफल लोगों की सीडीज हों जिनमें सफल लोग बोल रहे हैं, और फंक्शंस हों जिनमें कि सफल लोग आते हैं। यदि इन सफल लोगों के बीच में आपका एक्सपोजर होगा तो छन छन के कुछ अंदर जाएगा। और यदि चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव, आपके सोचने का ढंग बदलेगा तो आपके जीने का ढंग भी बदलेगा, और ये इसके बिना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में देखा, ऐसा नहीं कि सब लोग आते हैं तो सब सफल ही हो जाते हैं। कुछ लोग कैजुअली करते हैं, कुछ मना नहीं कर पाते इसलिए कर लेते हैं, कुछ मन लगा के करते हैं, कुछ सफलता पाने के लिए करते हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं, और जो भी इसके सानिध्य में रहा है नेटवर्क 21 के, ये साल 6 महीने भी वो रह गया, तो वो लाइफ में किसी भी फील्ड में जाता है तो उसे सफलता मिलती है, और बाद में वो रिकग्नाइज करता है दिस इज ड्यू टू नेटवर्क 21। तो इसलिए इस नेटवर्क 21 का कोई सानी है नहीं। अब मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे श्रोता थे, बहुत ध्यान से सुना। यदि कुछ रह गया है तो जिनके साथ आए हैं उनके पास बैठेंगे, तो वो भी जानकार हैं, वो आपको सारी बातें बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।